कैथल शहर में सरकार ने किया एक अध्यापक पर देशद्रोह का केस दर्ज। एफआईआर रद्द नहीं की तो सरकार का विरोध करेगा अध्यापक संगठन। सोशल वॉइस हरियाणा की टीम आज पहुंची है कैथल डीसी आवास पर और यहां पर अनेकों संगठन इकट्ठे हुए हैं। तो जान से आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं और क्या इनकी मांग है, तो आइए करते हैं बात इन संगठनों से। नमस्कार जी, मैं बलबीर राठी, राज्य उपप्रधान, हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य अध्यापक संघ, और मेरे साथ जो एस सी टीचर एसोसिएशन के साथ सभी जो सामाजिक संगठनों के SCBC सामाजिक संगठनों के जो जिला प्रधान और पदाधिकारी साथ में पहुँचे हैं, उनमें मुख्य रूप से SCBC एकता मंच कैथल मूल निवासी संघ और पिछड़ा वर्ग जो प्रधान है अपने शास्त्री जी, समार महासभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनराज नगर जो है टीम उस पहुँची है, तो सारे जो महर्षि वाल्मीकि जन शिक्षा कल्याण समिति, अन्य जो सभी सामाजिक संगठन जो आज जो ज्ञापन दिया है जिला उपायुक्त कैथल माननीय श्री जगदीश शर्मा जी को, ये आज का जो ज्ञापन का जो मुख्य हमारा उद्देश्य ये था, हमारे जो साथी हैं सुरेश द्राविड़ जी जो JBD टीचर हैं, वो उनके ऊपर पीछे जो 8 सितंबर 2022 को हमारा जो जन शिक्षा अधिकार मंच के बैनर के आह्वान पर उसके बैनर के तले एक विरोध प्रदर्शन था, हमारी जो मंत्री राज्य मंत्री है माननीय कमलेश गांडा जी के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे, उसमें हमारे साथी सुरेश द्राविड़ ने भी अपने विचार वहाँ पर व्यक्त किए थे, तो ऐसा कुछ भी इनके विचारों में ऐसा नहीं था। इन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और चिराग योजना है, जो भी सरकार की जो गलत जो नीतियाँ थी उनकी जो त्रुटियाँ थी, उनमें जो कमियाँ थी, उनको उजागर करने का इन्होंने काम किया था। तो इसने सरकार को और सभी जो टीचर जो साथी थे उनकी जो भी कमियाँ थी उन्होंने गिनाई थी, न कि सरकार की, पीछे भी ये अपने पिछली सरकारों में भी ये जो भी आवाज़ किसी प्रकार की बात होती है उठाते रहते हैं, तो इसमें इन्होंने ऐसे कोई भी गुनाह नहीं किया जिससे क्या नाम सरकार ने इनके खिलाफ पहले इनको सस्पेंड किया, फिर इनको सस्पेंड से बहाल करवाया, तो फिर इनके खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा है जो है वो दर्ज कर दिया गया। तो लेकिन ऐसा जो ये पहला केस है जो शिक्षक साथी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, कोई ऐसा इन्होंने कोई गलत काम भी नहीं किया, सरकार के खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र भी नहीं रच रहे हैं जिससे इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है। वो तो आज का जो हमारा ज्ञापन ये था भी JBD जो टीचर साथी हमारे सुरेश द्राविड़ जी हमारे सम्मानित साथी हैं और बहुत ही अच्छे मतलब जो सामाजिक संगठन में काम करते हैं, नेक नीत से काम करते हैं, बिल्कुल सकारात्मक रवैया होता है इनका, इसका सरकार का कोई ऐसी इनकी मर्जा नहीं होती भाई, हाँ सरकार के खिलाफ ऐसे जो मैंने मेरा षड्यंत्र है ऐसा ये ऐसा कुछ होता है। हमारा उपायुक्त महोदय से निवेदन ये था कि जो इनके खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा जो दर्ज किया हुआ है वो इनका वो रद्द किया जाए और इन्होंने जो मान सम्मान के साथ इनको मतलब जैसे पहले था वैसे ही इनका मान सम्मान समाज में भी बढ़ा। अगर सुरेश द्राविड़ को न्याय नहीं मिलता तो क्या की रणनीति क्या रहेगी? अभी सामाजिक संगठन है हमारे, तो आपस में बैठकर तालमेल बिठाकर आगे की रणनीति बना दी जाए। आगे की रणनीति के लिए तारीख वगैरह विचार विमर्श के बाद तय कर दी जाएगी, क्योंकि सभी साथी आए हैं, सभी साथियों से विचार विमर्श होगा। पहले तो हम ये माननीय हमारे उपायुक्त महोदय जी हैं, अच्छा उन्होंने इनका सकारात्मक रवैया है और इनकी सकारात्मक सोच के कारण हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो काम हम जो ये हमारी जो मांग है FIR रद्द करने की वो कर देंगे। अगर भी न्याय नहीं मिलता तो समय में सहायता ली जाएगी, आगे की रणनीति आपस में साथियों से बैठ कर विचार विमर्श करके कर लीजिए। या नाम जो मूल निवासी संघ है जी आपका, या जो अनेकों संगठन अनेकों समाज में एक समाज की बात निकल गया, किसी अमीर के साथ अन्याय होता तो खड़े दिखते हैं, लेकिन अगर गरीब के साथ अन्याय होता है तो कोई नहीं खाई नहीं थे बहुत तक अंदर कुछ दलित होंगे, अभी पिछले जिले दिनों घर गिराए गए थे, वहाँ पर नवीन जय नहीं गया था, लेकिन दलित समाज का कोई नहीं था वहाँ पर, मूल निवासी संघ या किसी भी जो भी संगठन है वो क्यों नहीं गया? नहीं वो हर जगह जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से हर पूरे जितने भी हमारे साथ हम हमेशा खड़े हैं, ऐसे दरमियान में अपने मगर हम बहुत ही जरूरी है और जो अपने लोकसभा क्षेत्र उसी समाज का MP है, तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन? हम उनसे भी मिलेंगे, हमारा जो अगर जो पड़ाव है ये सभी
जो MLA हैं, जो MP हैं, सभी सांसदों से MLA से मिलने का जो कार्यक्रम है, हम अपने तरीके से टेबल पर बात करेंगे, सकारात्मक वॉइस होता है और हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा कोई ऐसा ये कि हम बात नहीं करेंगे, सभी से बात करेंगे, सभी से विचार जानेंगे और हम साथी को जो है इसको हल करते हैं। जी तो सर क्या राय है आज के विचार? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश सीमर, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ऑल हरियाणा कहता हूँ। और आज हम SEBC के विभिन्न संगठनों के माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय से मिले हैं और लिखित में हमने ज्ञापन दिया है। डीसी साहब का जो साहब ने कहा है कि मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से बातचीत करूँगा। कल कैथल में पिछड़ा हो रहेगा पुलिस सम्मेलन था नई नाथ मंडी में, वहाँ पर ऐसा है तो आज यहाँ पर गवर्नमेंट मौजूद है, वो लोग मास्क देते हैं। हाँ, ये ये मीटिंग उसके बाद हुई है और उसके बाद ही ये डिसाइड हुआ है कि आज माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने का जो कार्यक्रम है उसके बाद क्या हुआ। नमस्कार जी। और जब हमारी लीगल सेल ने कोटा से एक नोटिस दिया 11/5/2022 का, उसके बाद इन्होंने आनंद कारण में धारा चेंज उसमें 153 लगाई और जो 1922 का पुलिस एक्ट है वो लगाया। तो ये धाराएं आनंद कानून में चेंज करना और 124 से का लगाना, तो ये लगता है कि ये हमारा साथी के साथ है, उनका पहले से ही कोई ऐसी मंशा थी जब इन्होंने देवद्रोह की धारा लगाई। OBC समाज की बात कर लो या दलित की कर लो या सवर्ण कर लो, किसी कर लो, वैसे तो सभी इंसान है। जो नेता लोग हैं वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे BSP पार्टी हो, राजकुमार सैनी हो या रावण है, तो चंद्रशेखर रावण है, उन जैसे लोग न्याय के लिए क्यों नहीं आते गरीब जनता के लिए? लेकिन वो अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, वो अपने अपने जगह जहाँ पे इस तरह का अत्याचार होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं कि उस जो भी समस्या है उसका निवारण। मेरा नाम राजवीर सिंह है और मैं पाई से हूँ, हरियाणा जाति राज्य के अध्यापक संघ कैथल का मैं जिला प्रधान हूँ। तो जो ये आपके साथ सुरेश द्रविड़ के साथ हुआ है और अन्य साथी को तो मिल जाए, एक ही साथी के ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है और ये बिल्कुल गलत हुआ है। हमारा ऐसे समाज सदियों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता आ रहा है, आज़ादी के इतने सालों के बावजूद भी आज भी हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, परंतु जो यहाँ की व्यवस्था है उसमें उनकी सोच आज भी वैसी ही है और हमारे साथी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ वो गलत है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके दम के ऊपर एक जो निम्न तबका है वो आगे बढ़ सकता है और शिक्षा को निजीकरण करके सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, गरीब तबके के साथ अन्याय कर रही है। अगर हमारे साथी सुरेश जी ने शिक्षा के हक में आवाज़ उठाई है, गरीबों के हक में आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया और उनको एक ऐसे समाज का नुमाइंदा समझ करके उनके ऊपर ये एक्ट लगा दिया है। हम उनकी घोर निंदा करते हैं, हम उनकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस FIR को दर्ज करे, इस मुकदमे को दर्ज करे, नहीं तो फिर हमें सभी SEBC समाज को इकट्ठा होकर के कोई और रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे हम अपने अधिकारों के प्रति और एकजुट होकर के लड़ाई लड़ सकें। BJP सरकार ने आपके साथ अन्याय कर दिया, लेकिन जो विपक्ष हरियाणा में उसका कितना समर्थन हो सकता है? ऐसे है, देखो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़
अभी साथी मिलकर के कोई ऐसी रणनीति पे बात कर रहे हैं तो हम अगर कोई पॉजिटिव विचार रहा तो सही, नहीं तो फिर हम गांव-गांव जाकर के साथियों से इसके समर्थन में अपील करेंगे और एक बड़ा जन समूह, जन संगठन या जन आंदोलन तैयार करेंगे। तो मेरी अपील है प्रशासन से, मेरी अपील है एसपी महोदय से, डीसी महोदय से कि साथी सुरेश दरबिट के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको जल्द से जल्द उसका समाधान करें, उसको रद्द करें और हमें एक सकारात्मक संदेश दें।